फोटोज लिए इन्होंने, पैसे नहीं दे रहे हैं। दो फोटोज लिए, मेरा पर फोटो 10 रुपीज का होता है, लेकिन ये पैसे नहीं दे रहे हैं। 20 रुपीज आपके ऊपर अदा है, ठीक है? आपने पहले फोटो लेने के। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। साथ में फ्रूट्स, ये एप्पल्स वगैरह यहाँ से ही उतार के जूस बनाते हैं और लोगों को देते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है सर, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। इसका मतलब है अगर जन्नत। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट। हे एवरीवन, यू आर चेक अप बाय मिस्टर गफ्फार खान। वन सेकंड, वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल। नए राउंड के साथ, नई वीडियो के साथ आपके गफ्फार व्लॉग्स में स्वागत है। एनर्जी पूरी की पूरी रखी हुई है, सेकंड टाइम इंट्रो हो रहा है, लेकिन एनर्जी फिर भी वैसी की वैसी ही है। रात को हम इधर बनिहाल मार्केट में थे। ये होटल मैंने आपको रात को भी बताया था, हिमालया होटल एंड रेस्टोरेंट, रात को हम यहाँ पर रुके थे। खाना भी इधर ही खाया, सोए भी हम इधर ही, इंजॉय भी किया, मज़े भी किए। सुबह फ्रेश होके नहा धो के हम निकल पड़े। सो आज का प्लान है हमारे यहाँ से पहलगाम की तरफ निकलने के लिए। सो उससे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। ये जो बनिहाल है ना, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में आता है। मैं और मेरे दोस्त अंसार भाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं। रेडी है ना? रेडी है। सो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं एक बोल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया घूमनी है तो जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ। सो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्रॉस कर दिया 8.5 किलोमीटर था और हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। वजह यह थी कि हम सुबह सुबह बैठे थे, हमारा सारा सिस्टम है जो बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्रॉस करते ही हम यहाँ पे काजीकुंड पहुँच गए। टनल का नाम है बनिहाल काजीकुंड टनल, 8.5 किलोमीटर से। तो अभी हम आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये होती है नून चाय, इसको कहते हैं कश्मीर की फेवरेट चाय होती है ये, नमकीन चाय भी बोलते हैं इसको, नून चाय भी बोलते हैं। और हमने ये टोस्ट, मैंने टोस्ट ऑर्डर करा और ये पसंद था, कचौरी है ये। अच्छा, तो चलते चलते भाई साहब एक जगह पे पहुंचे हैं। नाम है आपका? रमीज। क्या चुके हैं? बैठ गिना। खुशपेट? खुशपेट। सेच ठीक? सेच ठीक। चाय चोमा? चाय चो। तो फिलहाल हमारी एंट्री हो, एंट्री इन द सेंस लाइक के पहलगाम जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे हम पहुँच गए यहाँ पे। और ये मैं आपको बता रहा था, एक बार फिर से बता दूँ, ये पहलगाम है जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है। सर आप कहाँ से हो? पहलगाम से। पहलगाम से ही हो जी सर। ओके, सर्दी शुरू हो गई है यहाँ पे? कब? अभी तो आपने भी तो सर्दी स्वेटर तो अभी आपने पहन लिया। शाम सुबह ठंड होती है। हाँ, शाम सुबह ठंड होती है। ओके ओके, सो पहलगाम यहाँ से शुरू हो गया? पहलगाम यहाँ से शुरू हुआ, 5 मिनट लगे। आप मुझे ये पढ़ के बताएं कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है। आप इधर आ जाओ। लव पहलगाम, आई पता नहीं कहाँ मिस कर दिया इन्होंने, यहाँ पर लिखा आई लव पहलगाम और नीचे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है सर, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। इसका मतलब है अगर जन्नत है किसी जगह, हाँ, वो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में। ओके, तो ये अरबी में लिखा हुआ नहीं, उर्दू में लिखा? उर्दू में है, फारसी में है। फारसी में, फारसी में। अस्त हो गया फारसी में, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, ये फारसी हो गया। चलो, थैंक यू, थैंक यू।
फिलहाल पहलगाम में एक आइलैंड पार्क है, उस पर भी आगे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, वहाँ से पहलगाम स्टार्ट हुआ था जहाँ पे आई लव पहलगाम लिखा हुआ था। उसके बाद एक ये छोटी सी पार्क है और इस पार्क का नज़ारा बताता हूँ मैं आपको। उस साइड से भी पानी जाता है, उस साइड से भी पानी जाता है और इस साइड से भी पानी जाता है और बीच में ये पार्क है। अभी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, हमें नहीं पता था कि इतना ठंडा होगा, नहीं तो हमारे पास जैकेट्स होते। मेरे पास जैकेट था और राजस्थान में मैंने ना बैग हैवी हो रहा था तो मैंने लोगों को दे दिया था, जैकेट्स दे दिए थे, एक जैकेट था वो और कुछ जीन्स थी वो भी दे दिए थे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो जैकेट मेरे पास होना बहुत ज़रूरी था। और ऐसा कुछ पार्क का व्यू है, ये बिल्कुल आइलैंड पार्क। लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं, लोकल्स भी आते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, खाना इंजॉय करते हैं। हेलो हेलो, इस साइड पानी और ये पार्क, ये एक साइड नदी बता रहा हूँ मैं और दूसरी साइड भी नदी है। और साइड पे अगर आप पीछे पहाड़ पे देखोगे तो बर्फ़ भी पड़ी हुई दिख रही है। और मैं आपका बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर रोज़ इन द सेंस लाइक हर रोज़ मौसम चेंज होगा, हर रोज़ सर्दी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कभी भी आप लोग आएँ तो जैकेट्स के बगैर मत आएँ, आज के बाद ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात। और बिल्कुल इसी आइलैंड पार्क के साथ में एक ये छोटा सा ब्रिज मान लीजिए, आइलैंड से, आइलैंड पार्क से थोड़ी सी एक दूर और पार्क है जिसका नाम क्लब पार्क है। और उसके सामने ये कुछ खाने पीने का सामान, वो तो पकोड़े आ गए, वो तो मुझे पता है। सर ये क्या है, हलवा? ये हलवा है। ये हलवा किसका बनता है? सूजी का। सूजी का हलवा? ये मटर के पकोड़े हैं, ये मटर के बनते हैं। ये मटर के पकोड़े, ओके। और ये? ये पराठा है। पराठा, ओके। ये इसके साथ मिक्स करके खाते हैं। अच्छा, इसके हलवे के साथ? हाँ, हलवे के साथ। ये जो बना रही है इसको क्या कहते हैं? पराठा। पराठा, इस परोठे को इस हलवे के साथ खाया जाता है। घर जाके वापस आ जाओ, फिर चाइना से जाएगा। सी है क्लब पार्क का बाहर से एक बोर्ड दिखाया गया, यहाँ से एंट्री है। और क्लब पार्क की टिकट है जो अडल्ट्स के लिए 24 और चाइल्ड के लिए 12 रुपये। क्लब पार्क में तो हमारी एंट्री हो गई है और एंट्री के साथ साथ बारिश भी आ गई है। अब पता नहीं ये बारिश हमें भिगाती है, क्या होता है कहीं छुपते, पहले हमें जगह देखनी पड़ेगी कि बारिश आ जाएगी तो हम कहाँ छुपेंगे। क्लब पार्क में ना थोड़ा सा ये जो फ्लावर्स कम है, लेकिन जो आपको मैंने आइलैंड पार्क बताई उसमें ज़्यादा फ्लावर्स है। लोग अपना फूड एंजॉय करते हुए दूर दूर से, माशाल्लाह। आप लोग कहाँ से? श्रीनगर से। आज एंजॉय करने यहाँ पे आए, खाना वाना हो गया, अभी तो बारिश भी आ रही है। उनका ध्यान रखो, बाकी तो सारे हाँ, ओके, थैंक यू। आप कहाँ से हो? मैं पुंछ से हूँ। बारिश की वजह से सब भाग रहे हैं और हमें भी भागना पड़ेगा, तो देखते हैं हम भी भागते हैं। मन तो नहीं कर रहा है। और कैसे लग रहा है? मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप कैसा? अच्छा अच्छा है, लेकिन अभी बारिश आएगा और ठंडी है। सर्दी भी है। और आपको कैसा फील हो रहा है कश्मीर में? फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम है। अच्छा है। दिल हिल गया ना? दिल हिल गया ना, पक्का हिल गया, मुझे पता है। हाँ, हॉर्स राइड मैं नहीं करता हूँ, मैंने बहुत बार पहले करी थी और मुझे डर बहुत लग रहा था।
पीछे वाली मैम डेरी डेरी लग रही है मेरी तरह। अच्छा पहलगाम तो घूम लिया मैं, पहलगाम से आते आते एक बहुत अच्छी जगह मुझे दिखी और जहाँ पे रियल जूस इन द सेंस लाइक फ्रूट भी वहाँ पे और जूस भी वहाँ पे बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स के साथ। आप हमेशा जाते हो फ्रूट्स के शॉप पे जाते हो, जूस शॉप पे जाते हो, वो फ्रूट्स ऑलरेडी पहले से होते हैं, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ साथ में फ्रूट्स। ये एप्पल्स वगैरह यहाँ से ही उतार के जूस बनाते हैं और लोगों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? यहाँ से ही एप्पल उतार के जूस बनाते हो? एक कप कितने का देते हो? 50 का एक। Okay, okay, okay. और ये जो पिकल वगैरह बना हुआ है एप्पल का सारा ओके okay. और मेरे साथ कुछ बच्चे थे यहाँ पे, इधर आ जाओ आप भी आ जाओ। अच्छा एप्पल वैली में हम अभी फिलहाल, तो ये बच्चे मेरे साथ आ जाओ इधर एप्पल वैली में एप्पल जूस। ये बच्चे मुझे पहलगाम भी मिले थे, आप पता नहीं मुझे फॉलो कर रहे हैं या मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ ये बताएंगे। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या हम आपको फॉलो कर रहे हैं? फोटोज लिए इन्होंने, पैसे नहीं दे रहे हैं। दो फोटोज लिए, मेरा पर फोटो 10 रुपीज का होता है लेकिन ये पैसे नहीं दे रहे हैं। 20 रुपीज आपके ऊपर आधार है, ठीक है? आपने पहले बोला ही नहीं फोटो लेने के बाद। अच्छा चलें कोई बात नहीं, आपने इसके बदले में सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। क्या नाम है चैनल का? गफार व्लॉग्स। 10 रुपीज के बदले में 10 मंदू से सब्सक्राइब करवाना है। चलें थैंक यू। अवंतीपुरा में पहुंच गया हूं। तो अवंतीपुरा में एक हमारे, मैं एक्चुअली एग्ज़ाम देने के लिए आया था, पिछली बार मेरी सिस्टर्स थी और यहां पे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे और वहां पे ही साथ में एक घर था हमारे, बहुत अच्छे लिंक्स हो गए थे उनके साथ, तो मैं उनके घर जा रहा हूं। और यहां पे अवंतीपुरा में एक शॉप है। भैया आपकी शॉप का नाम क्या है? मदीना बेकरी। ओके मैं अभी मदीना बेकरी पर आके, एक तो मैंने ये मोतीचूर के लड्डू लिए 1 kg लिए, ये मुझे बहुत पसंद है मोतीचूर के लड्डू, और ये ले जा रहा हूँ और एक केक भी लेके जा रहा हूँ। एक बार केक दिखा दोगे? ये केक भी मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा जनाब फाइनली हम यहाँ पे अवंतीपुरा में पहुँच गए, पहलगाम से वापस अवंतीपुरा पहुँचे यहाँ पे। अवंतीपुरा में मेरी एक प्यारी आंटी, यहाँ पे मैं ना बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे और मेरी सिस्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, और मार्च में हम लोग यहाँ पे ही रुके हुए थे, साथ में घर हैं यहाँ पे रुके थे और इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे। और ये है मेरी प्यारी आंटी, अस्सलाम वालेकुम बोलो। आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? बस ठीक है। कहीं शादी पे गए हुए थे, बड़े सज धज के गए हुए थे, वापस आए मेरी वजह से वापस आए। और ये खाना वाना भी रखा हमारे लिए, खाना वाना बनाया। ये आगे रिश्ते, ये रिश्ता, और ये चिकन वगैरह, ये राइस, ये भी चिकन, ये दही, और ये कश्मीरी फूड है। और मैं आपको बता रहा था कश्मीरी कल्चर होता है, खाना नीचे बैठ के खाते हैं, सोना भी मैक्सिमम टाइम नीचे ही होता है, बट फिलहाल ये साथ में एक बेड में एक बेड रखा हुआ है। और ये आंटी के सबसे शर्मीले बेटे, इनका नाम क्या? आमिर। बहुत शर्मीले, अभी वे खाना खाने लगे थे, बोले मुझे खाना को तो खाने दे दो, एक बार देख लो बस, एक बार। यार पता नहीं लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हैं। तो चले मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। मैच भी चल रहा है, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, 203 हो गए, 2 आउट हो गए और 17.5 ओवर हो गए। तो बस यही थी आज की अपडेट, पहलगाम घूमा, मजे किए और वापस हम यहाँ पे अवंतीपुरा में आ गए। सो यही था आज का दिन, मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, और मेरा ध्यान भी आपने रखना ही रखना है। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपको हमेशा देता हूँ, अभी भी दूंगा, कि अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ खींचे, उनको बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएँ। खुदा हाफिज़।